हाईवे पर सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी पीड़ितों को जिला अस्पताल भिजवाया, जहां दो को मृतक घोषित कर दिया गया। रात से ये लोग लौट रहे थे, लौट आ रहे थे तो रास्ते में जो है ये पिछली सीट पे बैठे थे, रास्ते में आगे वाले को नींद आने लगी तो वो जो है कहा कि तुम आगे आ जाओ हम पीछे चले जाते हैं, तो वो पीछे आ गया, ये लोग पान उन खा के निकले और फिर ये आगे बैठ के, आगे आने के बाद कंदरापुर क्रॉस किए तो वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। आजमगढ़ में हॉट मिक्स प्लांट में भीषण आग लग गई, जिसमें 50 लाख से ज्यादा का नुकसान हो गया। वहीं अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। इसमें आग लगी, हम लोग साइट पर थे, यहाँ मेरा ऑपरेटर था, प्लांट मेरा ऑटोमेटिक प्लांट है, उसमें कोई शॉर्ट सर्किट का देयर इज नो चांस, कोई बाहर से केबल आर देयर इज नो चांस, क्या बताया जाए आपकी कहाँ से लग गई कैसे लग गई। आजमगढ़ से इंस्पेक्टर के सीयूजी नंबर पर धमकी भरा फोन आने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इंस्पेक्टर को फोन करके 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई, वहीं रंगदारी ना देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लखनऊ में बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि स्कूल प्रशासन पर यह आरोप लगे हैं कि वो बिना कॉपी चेक किए ही छात्रों के रिजल्ट को घोषित कर रहा है। वहीं छात्रों के कई बार शिकायत करने पर स्कूल प्रशासन की तरफ से छात्रों को धमकी भी दी गई। जब मैं थर्ड ईयर में था तो एक ही ईयर में मुझे 3 बार लगातार इन लोगों ने जानबूझकर वाई भी लगाई, जिसमें जब मैं आरटीआई के थ्रू जब मैं अपना कॉपी लिया तो उसमें कई सारी कमियां इन लोगों की निकली, जैसे कि मेरे कई क्वेश्चन चेक नहीं थे। उसके बाद जो पहले क्वेश्चन में जो मुझे मार्क्स दिए गए थे उसमें इन लोगों ने व्हाइट कलर की एक स्लिप चिपका दी। उसके बाद कई क्वेश्चन चेक नहीं है मेरे, जो 40-40 नंबर के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन चेक नहीं है। उसके बाद से कई क्वेश्चन के ऊपर जो पहले मार्किंग की गई थी उसमें ओवरराइटिंग की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने कुंभ कार्यों का निरीक्षण किया और कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। लेकिन प्रधानमंत्री दौरे पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब पीएम की प्लीट संगम तट से गुजरी, तभी अचानक ही वीआईपी रूट के बगल पड़ी पुआल में आग लग गई। उसी समय समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के काफिले को काला झंडा भी दिखाया। पीएम मोदी कई परियोजनाओं का शिलान्यास करने के लिए यूपी आए हुए हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने प्रयागराज पहुंचकर कुंभ मेले का जायजा भी लिया। इससे पहले पीएम मोदी की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों और नेताओं के साथ मिलकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। रामपुर में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे डायग्नोस्टिक सेंटर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। सही दस्तावेज न मिलने के चलते टीम ने सेंटर को सीज कर दिया। वहीं छापेमारी के दौरान मालिक समेत सभी स्टाफ मौके से फरार हो गए। शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री आवास में घपलेबाजी करने वाले ग्राम प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन इस घपले में प्रधान के साथ लिप्त सेक्रेटरी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। फिलहाल अभी भी अधिकारी मामले की जांच करने की बात कर रहे हैं। हर गांव में पैसे लेते हैं, प्रधान सीधे पैसा लेता है, सेक्रेटरी पंचायत सेक्रेटरी जो हैं वो पैसा लेते हैं। पहली किस्त का 10,000 रुपये से 20,000 तक भोले वाले लोगों से ले लेते हैं और कहते हैं कि ये ऊपर मंत्री तक पैसा जाता है, सी डी ओ डी एम सब लेते हैं।